नमस्कार दोस्तों, आस्था नेचर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेके आए हैं मैहर, जो कि चलेंगे माँ शारदा भवानी का दर्शन करेंगे। तो इस समय हम मैहर स्टेशन पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे, यहाँ पे पूरी तरह से शांति शांति है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोग ज़्यादा आ नहीं पाए। तो दोस्तों, आपको आज हम ले चलते हैं मैहर द्वार, करवाते हैं माँ शारदा की भवानी के दर्शन। तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, यही ऑटो से हम ले चलेंगे आपको मैहर दरबार के पास तक। वहाँ से फिर हम चल के आपको रुक रुक कर आएंगे और चलते हुए रास्ते की भी दिखाएंगे फोटो। आप देख सकते हैं यही ऑटो से हम निकलेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम पहुंच चुके हैं माँ शारदा के दरबार में। तो ये स्टैंड है, यहाँ पे लोग रुकते हैं और यहाँ पे सब सारी गाड़ियाँ खड़ी होती है। आप देख सकते हैं हमारे सामने पीछे वो माता भवानी की जो मंदिर है वो दिख रहा है पहाड़ों ऊपर। अब हम चलेंगे वहाँ पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये प्रवेश द्वार है माँ शारदा प्रवेश द्वार। तो यहीं से हम मंदिर की तरफ बढ़ेंगे आगे। तो इसके पहले हम थोड़ा सा नहाएंगे धुलेंगे, फिर उसके बाद आपको ले चलेंगे मंदिर की तरफ। दोस्तों, आप देख रहे हैं हम दूसरे सेकंड गेट पे आए हुए हैं, जहाँ से हमको पहाड़ों के ऊपर चलना है, जो कि हमको ले जाएगा मंदिर के पूरे उच्च स्थान तक। तो यही रास्ता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी चहल पहल है, काफी लोग आ जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम आगे की तरफ काम कर रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार पहली पूजा हम गणपति जी करते हैं। तो देखिए यहाँ पे गेट पे गणपति विराजमान है। तो यहाँ का दर्शन करने के बाद हम अंदर की तरफ प्रस्थान करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये लोग लगे हुए हैं मास्क, मतलब लगा के जाने के लिए सोशल डिस्टेंस का पालन काफी अच्छा करवा रहे हैं ये लोग। यहाँ पे लोगों को मास्क के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यहाँ आप मास्क लगाएंगे, मास्क लगाने के बाद अंदर एंट्री होगी। तो आइए, अब मास्क हम भी लगा लिए हैं, तो अब अंदर की तरफ चलेंगे। तो यही माता रानी के हमको धाम लेके जाएगा सीढ़ियाँ, जो आप देख रहे हैं। ये हम पहाड़ों पर चल रहे हैं अब, क्योंकि ऊपर की चढ़ाई है तो सीधा हमको ऊपर ही जाना है। तो जैसा दोस्तों आप देख रहे हैं, हम लगातार चल रहे हैं, सीढ़ियाँ काफ़ी ऊँचाइयों पर बनी हुई है, तो हमें थोड़ा इस तरह से जाना पड़ रहा है। और काफ़ी लोग हैं जो लगे हुए लाइन में, हालांकि ज़्यादा गर्दी ना होने के कारण बहुत आसानी से दर्शन हो पाएगा हमको ऐसा लग रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं, हम यहाँ तक आ चुके हैं। आप यहाँ पे काफी लोग आने के बाद थक जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे विश्राम स्थल बना हुआ है। यहाँ पे लोग आके थोड़े से अपने आप को संतवना देते हैं, फिर इसके बाद चलते हैं, क्योंकि काफी ऊंची चढ़ाई होने के कारण लोग थक जाते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं, करीब करीब 450 सीढ़ियां हम लोग चल के आए हैं। अब यहाँ से हमको टर्न होना है, टर्न होते ही सीधे राइट में जाएंगे, फिर वापस हमको चलना है, तब तक माता के दरबार पहुँचेंगे। काफ़ी लोग हैं जो थके हारे बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं ये लोग भी चल के आए हैं। चल के आने में काफ़ी एनर्जी लॉस होती है, इसलिए लोग थक जाते हैं, लेकिन माता का नाम लेते ही सब लोग चलने लगते हैं। तो आइए, हम आपको ले चलते हैं सीधा माँ शारदा के धाम। जैसा दोस्तों आप देख सकते हैं, हम काफ़ी ऊंचाइयों पर आ गए हैं, आपको बाहर का दृश्य दिखाएंगे। उससे पहले आपको बता दें, ये जो मंदिर है काफ़ी प्राचीन मंदिर है। माँ शारदा भवानी का जो शक्तिपीठ है, त्रिपुर में से एक शक्तिपीठ इसे भी माना जाता है। और आपको ये भी बता दें, तमसा त्रिकूट पर्वत पे बसा ये मंदिर जो बहुत ही अद्भुत है। और यहाँ की अगर बात करें तो इतिहास से जुड़े पन्ने में भी काफ़ी इसका जिक्र होता है। जैसा कि आप आला उदल को अगर जानते होंगे, तो आला उदल वो शक्त हैं जो जिंदा हैं, हमारी नज़रों में नहीं, लोगों की नज़रों में और सबकी नज़रों में। तो हमको भी ये जान के बहुत ही अद्भुत लगा, क्योंकि जो माँ शारदा भवानी है उनका दर्शन, पहला दर्शन आला और उदल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 3 बजे रात को करते हैं, माला फूल वहाँ पे चढ़ा रहता है। काफ़ी लोग यहाँ के बारे में जिक्र करते हैं, आप अगर पढ़ भी सकते हैं कहीं भी, काफ़ी जगह पे ये बातें लिखी भी गई, वो कही भी गई है। तो क्योंकि आला उदल जो थे वो माता रानी के बहुत ही बड़े भक्त थे, हालाँकि उनके बलिदान के बाद
यहाँ आज भी वो दर्शन करने के लिए आते हैं, और वहाँ यहाँ पे उनका अखाड़ा भी है और तालाब भी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और ये जो मंदिर है काफ़ी विश्व में जाना जाता है, माँ शारदा भवानी, हालांकि ये मैहर नाम से जाना जाता है, क्योंकि माँ का जो हार था, जो सती थी, उनका हार यहाँ गिरा था इस जगह को, इसलिए मैहर स्थान दिया गया है। तो दोस्तों अब फिर हम आपको ले चलेंगे आगे की तरफ। आप देख सकते हैं काफ़ी भक्त लोग लगे हुए हैं, वो चल रहे हैं काफ़ी, हालांकि जो सीढ़ियाँ हैं काफ़ी अजीबोगरीब हैं, आप थोड़े से स्लोप में आएंगे फिर आपको अप करना पड़ेगा। हालांकि लिफ्ट की व्यवस्था है वो भी हमने आपको दिखाया। तो चलिए आपको ले चलते हैं मंदिर के पास, दिखाते हैं वहाँ से कुछ नीचे की तरफ की अजीब और गरीब नज़ारे, और करवाते हैं माँ शारदा की भवानी के दर्शन। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं कैमरा देख के काफ़ी लोग रुक जाते हैं, तो एक बच्चा भी यहाँ रुका है, तो इससे हम पूछेंगे कहाँ से आए बच्चा? भदोही से। क्या करने? दर्शन करने। और कौन आया है? माँ आई है। भदोही कौन सी जगह से? जैसा कि बच्चा नहीं बता पा रहा है, हालांकि ये भदोही से चल के आया है दर्शन करने के लिए, आप देख सकते हैं। और हमारे पीछे भी देखेंगे तो काफ़ी लोग भी आ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, अब यहाँ से हम बाहर एग्जिट हुए हैं, यहाँ पे जो पुरानी सीढ़ियाँ थी वो बंद कर दी गई, क्योंकि वो हमको काफ़ी घुमा घुमा के पहाड़ों के ऊपर ले जाता था। अभी स्लोप पे सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं माँ शारदा के श्री चरणों में 159 सीढ़ियों का निर्माण कार्य जेपी रीमा सीमेंट वालों ने किया है। हालांकि यहाँ सौभाग्य ट्रस्ट माध्यम द्वारा सभी करते हैं। तो ये देखिए अब यहाँ पे स्लोप भी है, हालांकि सीढ़ियाँ चढ़ना नहीं पड़ेगा, यहाँ से लोग जो हैं काफ़ी अच्छे से जाएंगे। जो सीढ़ियाँ थी वो साइड की बंद कर दी गई हैं, क्योंकि वो सीढ़ियों से चढ़ के जाने में लोगों को काफ़ी दिक्कत होती थी। अभी यहाँ से हम लोग स्लोप स्लोप जाएंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग आते ही डायरेक्ट इस साइड एग्जिट होंगे, यहाँ से जो लंबी कतारें हैं, अब यहीं से हम सीधा माँ के दरबार तक जाएंगे। जय दरबार की जय। जैसा कि आप देख सकते हैं काफी लोग आते हैं, जयकारा लगाते हुए आ रहे हैं। जो भक्त गए हैं वो माता की जयकारा लगाते हुए काफी आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि माता का दरबार कुछ ही क्षणों में हम लोग पहुंचने वाले हैं, लोग जयकारों के साथ माँ के दरबार में बस प्रवेश करने ही वाले हैं। तो आइए आपको हम दिखाते हैं माँ का दरबार कितना सुंदर और कितना मनभावक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए दोस्तों हमारे साथ हमारे चैनल आस्था नेचर। तो आप देख सकते हैं करीब करीब 900 सीढ़ियाँ हम लोग चढ़ चुके हैं। अब 900 के ऊपर सीढ़ियाँ जो बची हुई हैं, वो कुछ सीढ़ियाँ जो बाकी हैं, वो सीढ़ियों के द्वारा हम पहुँचेंगे माँ शारदा के दरबार। हालांकि आप देख सकते हैं हमारे जो पीछे काफ़ी लाइनें हैं, जो लोग हैं वो लगे हुए हैं, चल रहे हैं। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो भी बनाए हुए, क्योंकि जो जगह है काफ़ी छोटा है, हालांकि फिर भी लोग मैनेज कर रहे हैं और कंटिन्यू लगातार चलते रहे हैं। बस कुछ ही क्षणों में हम पहुंचेंगे माता रानी के दरबार में। आप देख सकते हैं 900 सीढ़ियों पे हम लोग इस समय खड़े हुए हैं, यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ और बाकी हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यही ब्रश लास्ट गेट है, इसके बाद बस माता रानी के दरबार हम पहुँच जाएंगे। हालाँकि जो जो सीढ़ियाँ हैं, 1001 सीढ़ियाँ हम लोग चढ़ चुके हैं, बस थोड़े समय में साक्षात आपको माता रानी के दर्शन करवाएंगे। हेलो दोस्तों, देखिए हम बस माता रानी के दरबार तक पहुंच चुके हैं। ये जो सीढ़ियाँ यहीं से ख़त्म होता है, ये जो मुख्य द्वार है वो माता रानी का मुख्य द्वार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, लोग लगे हुए दर्शन के लिए। बस कुछ ही क्षणों में माता रानी के दरबार में हम पहुँचेंगे, और दिखाते हैं आपको माता रानी का जो भव्य श्रृंगार है। तो दोस्तों जैसा कि आपको आज हमने करवाया माता रानी का दर्शन, जो कि मैहर में स्थित वो देवी हैं जिनके बारे में हमने आपको शुरू से लास्ट तक बताया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद, नमस्कार।